हेलो, आई एम मास्टर निषाद और आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 3 गिटार लेसन्स बाय मास्टर निषाद। पिछले कुछ एपिसोड्स में जो हमने सीखा है, आज इस एपिसोड में हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद कुछ नए लेसन सीखेंगे। तो देखते हैं, पहले एपिसोड में हमने कुछ पैटर्न्स सीखे थे जिनसे हम स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस कर सकें, तो पहले उनको हम देख लेते हैं एक बार। ये पिक है, ये मैंने बताया था आपको, तो इनके नाम एक और बार मैं दोहरा देता हूँ। ई ए, फर्स्ट वायर है ई ए, डी जी बी ई, ठीक है, इनके ये नाम थे। एक्चुअली इनका सीक्वेंस जो है दिखता है ऊपर से फर्स्ट, लेकिन ये इनको अपन उल्टा गिनते हैं। जैसे ये है, ये फर्स्ट वायर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, गिना ऐसे जाता है। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट वायर तो ये हुआ, ना कि ये सिक्स्थ वायर है। ये दिखने में सीक्वेंस इनका है सीधा, लेकिन इनको गिना जाता है उल्टा। तो ये तो इनका नाम और सीक्वेंस हो गया जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब देखते हैं आगे कि हमने क्या सीखा था उसका रिवीजन। तो सबसे पहले एक ये था सिंगल, जब हमने नीचे की तरफ स्ट्रोक किया था, सीधा सा पैटर्न। उसके बाद एक और पैटर्न था जिसमें हमने ऊपर की तरफ स्ट्रोक करके लाए थे, तो इन दोनों को हमने साथ में कैसे किया था, ये हमने साथ में किया था। और अगला पैटर्न क्या किया था, सबको डबल बार बजाया था। को हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी हम सिक्स्थ वायर से फर्स्ट वायर तक जाएंगे, यानी अप टू डाउन जाएंगे, तो हमको डाउन की तरफ स्ट्रोक करना है बस। और उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तब ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है, यानी 1 to 6 जाएंगे तो ऊपर की तरफ स्ट्रोक करना है, ठीक है। ऐसे आप खुद के भी पैटर्न्स बना सकते हैं। ये मैंने कुछ पैटर्न्स दिए हैं जिनसे आपको स्ट्रिंग्स पे अपना कमांड अच्छा हो जाएगा। और एक और पैटर्न था, हमने किया था फर्स्ट डाउन देन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये हम ऊपर से नीचे गए थे, तो फर्स्ट डाउन देन उसी वायर को अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। उसके बाद इसका रिवर्स आएंगे तो अप डाउन होगा, क्योंकि नीचे से आएंगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये हमने देखा इसका सेकंड पैटर्न। इसको पूरा एक साथ कैसे करेंगे, ऐसे इसको करेंगे। एक और पैटर्न हम देख लेते हैं, शायद मैंने ना बताया हो, तो ये पैटर्न है कि ये फर्स्ट डाउन देन लास्ट अप, ये देन अगला वायर लेंगे सेकंड, यानी कि हमारा फिफ्थ वायर है, और यहां से ये नीचे की साइड से जब भी अपन स्ट्रोक करेंगे तो ऊपर की साइड करेंगे, ओके। तो ये 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 और ये, एक एक वायर ऊपर बढ़ाया जा रहा है और एक एक नीचे, तो ये एक और पैटर्न है याद रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न्स काफी हैं आपका स्ट्रिंग्स पे कमांड पाने के लिए। इन पे आप कोशिश करेंगे कि बिना देखे बजाया जाए, नीचे ना देखा जाए और स्पीड में। तो अब आते हैं हम सेकंड एपिसोड पे, जो मैंने बताया था गिटार ट्यूनिंग, तो वो तो खैर आप समझ गए होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया था अलंकार, हाँ अलंकार बताया था इस स्केल से, ये हमारा स्केल था, ये वायर कौन सा वायर है, ई ए डी जी, जी वायर से मैंने आपको सारे गमा पधा नहीं सब बताया था। ये है ई ए डी जी, ये हमारा स्केल था। इससे क्या था सारे गमा पधा नहीं सा, ये सा फिर रे
इसी वायर में अपना सेकंड फ्रेट है और सेकंड फिंगर है, ये सा दे, फिर ग अपना सेकंड वायर ओपन था, यानी कि ई ए डी जी बी, बी बी हमारा ग था, उसके बाद म था, बी वायर फर्स्ट फ्रेट और फर्स्ट फिंगर, उसके बाद प बी वायर थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर, फिर नी ई वायर ओपन एंड एक और बार बता देते हैं कि हमना हमारा सा फिर रे फिर ग ये म प ये ध था हमारा ये नी और ये सा था, नी था हमारा सेकंड फ्रेट का लास्ट वायर यानी कि अपना ई वायर और सा थर्ड फ्रेट फिंगर आप देख सकते हैं। ये हमारा सारे गामा पद निशा था जी वायर से। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा स्केल कैसे ढूंढते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये जी से है, ठीक है, ये जी तो आपको भी मालूम है, ये जी वायर से। अगर मैं कोई दूसरा स्केल बताता हूं तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन से स्केल से था? तो स्केल पता करने का होता है इन वायरों से रिलेशन। इस फर्स्ट वायर का नाम ई है, तो ई के आगे फ्रेट से गिनेंगे तो ये जो फर्स्ट फ्रेट है अगर इस वायर को प्रेस करते हैं तो बनता है एफ, एफ अपना स्केल बनता है। अब ये कैसे मुझे पता पड़ा कि ई के बाद एफ, ये ए बी सी डी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये म्यूजिक में ही एक स्केल पैटर्न होता है, 12 स्केल का एक पैटर्न होता है, तो उसका पैटर्न कुछ इस हिसाब से है कि पहले आता है सी, फिर सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, ई, एफ, ई का कोई शार्प नहीं होता, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, बी शार्प, सी, सी बारवा होता है, सी तेरवा होता है हमारा, उसको ना गिने तो भी चलेगा क्योंकि सी सी सेम होता है। तो एक और बार पैटर्न देख लेते हैं 12 स्वरों का, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, एक्चुअली बी शार्प भी नहीं होता है, बी तक ही होता है, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प और बी, और फिर आ जाता है हमारा सी। तो ये हो गए हमारे 12 स्केल। अब पता करेंगे कि ये है अपना नाम सी है, हाँ ई है हमारा ये, तो ये क्या हुआ, एफ हुआ, इसके आगे से काउंट करेंगे, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, और ये आएगा सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, और ये ई, वापस आया, गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इसको एक और बार देखते हैं, सी शार्प, हाँ ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ठीक है, उसके बाद ए, ए शार्प, ए, ए शार्प, बी, और सी, सी शार्प, डी, डी शार्प और ई। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। अब इसी हिसाब से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, बस उसके लिए पैटर्न याद होना चाहिए, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी। ये पैटर्न जो है ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए मेरे साथ में, एक और बार बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पैटर्न सबसे मेन है, यही पैटर्न पूरे म्यूजिक में काम आता है, ये जो पैटर्न है स्केल का, इससे बहुत कुछ चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हमारा स्केल है। अब आप अगर कोई सा भी गाना लेते हैं या कोई सा भी अलंकार देखते हैं तो वो कौन से स्केल से है, मैं तो बजा दूंगा या कोई और बजा देगा, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि कौन से स्केल से है? तो वो पता करने के लिए पैटर्न याद होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ई के साथ बता दिया, ई के बाद ए के साथ,
ये बात याद रखिएगा कि ये ई आ गया है तो ई के आगे से ही चालू होगा, ये नहीं कि सी से चालू होगा। और जब तक इसको गिनना है, जब तक वो आ नहीं जाता ई, तब तक गिनेंगे जब तक ई वापस नहीं आ जाता। ई के बाद हमने एफ गिना, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी और सी, फिर सी शार्प, फिर डी, फिर ई, डी शार्प, उसके बाद ई आया है। पूरा डी शार्प तक गिना है, यानी आप इसको एक बार लिखेंगे तब हर वायर का आप ऐसे नोट कर सकते हैं। पहले पैटर्न लिख लीजिए, उसके बाद सी, सी से लेकर बी तक ये पैटर्न लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए कि सिक्स्थ वायर का क्या है, यानी ई का। तो ई लिख के उसके आगे ई ए जो भी है वो पूरा सीक्वेंस लिख दो जहाँ तक ई वापस नहीं आ जाता। तो वो इसका हर फ्रेट का, हर वायर का नाम हो जाएगा। कि आपको अगर कोई बोलता है कि फर्स्ट वायर पे ये बजाओ, सिक्स्थ वायर पे ये बजाओ, तो आप ऐसे पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट वायर के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये ई ए, ए है, ए के बाद क्या आता है, ए शार्प, ए, ए शार्प, देन ए के बाद ए शार्प, देन बी, देन सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, देन सी डी ई, देन एफ, एफ शार्प, जी, जी, जी शार्प, पर आता है अपना ए। ठीक है, तो ये आप सुन सकते होंगे साउंड मैच कर रहा है, क्योंकि ये है बेस का और ये ट्रेबल का। ऑक्टेव होता है एक सप्तक, तो सप्तक चेंज हो रहा है इसमें। जैसे ये मध्य सप्तक का सा है और ये तार सप्तक का, ए स्केल का ही। ठीक है, ई के बाद ए, फिर डी, डी के साथ देखें तो डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प और ये डी। अगर डी पे वापस साउंड करेगा, मैच अपना मैच करता है साउंड। देन ई ए डी जी, जी के साथ देखें जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी। आप ये देख सकते हैं बार बार यहीं आके खत्म हो रहा है, क्योंकि 12 की काउंटिंग है ना, तो ये टोटल यहाँ आके ही खत्म होगा। यहाँ 11 यहाँ हो जाते हैं और एक ये 12 हो जाता है। ऐसे ही करके आप बाकी वायर्स का भी निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न आपको बस अप्लाई करना है, तो मैं बाकी ना बताऊँ तो भी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि बाकी आपको ढूंढने हैं। तो तीन के तो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप देख लीजिए, आप ढूंढ सकते हैं। इस पैटर्न को याद रखिए, लिख लीजिए। एक और बार बोल देता हूँ, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प और बी। अब शार्प का साइन जो है, आप अगर लिखते हैं तो शार्प का हैश अगर अपन बनाते हैं, तो हैश कैसे बनाया जाता है, वैसे ही शार्प का साइन बनता है। जैसे लिखेंगे तो ये सी हो गया, उसके बाद सी शार्प, जो हैश का साइन होता है आप जानते हैं कैसे बनता है, वैसे बन सकता है। और नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे सी शार्प कैसे लिखा जाता है, तो आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। अब बात हुई थी अपनी कि मैं आगे का बताऊंगा दूसरे स्केल से, तो उसके लिए सबसे पहले फिंगर्स की प्रैक्टिस। जैसे मैंने उस स्केल से बताया था जी से, उसमें तो आपको कोई प्रैक्टिस की तीन उंगलियां लग रही थी उनमें तो, और ये ओपन बज रहे थे। इस जो पैटर्न बताऊंगा इसमें चारों उंगलियों का प्रयोग है। वैसे तो उंगलियां तो तीन ही लग रही हैं इसमें भी, लेकिन जो स्केल है उसके लिए चारों उंगलियों की प्रैक्टिस भी चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, अपन चालू करेंगे यहाँ से ई से। ई वायर है अपना, तो सबसे पहले मैं एफ जो इसके आगे का आता है वो अपना स्केल लेंगे अपन। जैसे ये ई वायर है तो ई के आगे एफ आता है, एफ हमारा स्केल होगा। उसके लिए कुछ प्रैक्टिस चाहिए आपको, वो क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट फिंगर इधर, फिर सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे, ये साथ साथ में प्रेस भी हो रहा है, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट में और फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट में। इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। Thank you.
टाइम तक तो ऐसे ही इन्हीं पे करना है, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरा अब साउंड सही आ रहा है, साउंड का आप चेक करने के लिए देख सकते हैं, जैसे ये क्लियर आ रहा है, ये मैंने पूरा प्रेस किया है, ये आ रहा है, और हल्का सा छोड़ देता हूँ, ये वाइब्रेशन आप सुन सकते होंगे, ये नहीं आना चाहिए, तो पूरा उसको प्रेस करेंगे, क्लियर साउंड। और क्या मिस्टेक होगी अगर उसका साउंड कैसा होगा, तो देखिए मैं इसको हल्का सा लेस प्रेस कर रहा हूँ, तो एक वाइब्रेशन आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये पूरा ऐसे करके। तो ऐसे ही जब आपको लगे कि हाँ आपका फर्स्ट वायर पे हो गया है, तो बाकी वायर्स पे आप करना चालू कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे धीरे धीरे करिएगा, पहले फर्स्ट वायर पे यानी कि सिक्स वायर पे, उसके बाद सेकेंड, ये तो कुछ टाइम तक तो इसी पे यानी दो तीन दिन आप लगाएं इस पे, उसके बाद सेकंड वायर पे आ जाएं, उस पे करें, उसके बाद दोनों को साथ में करें, फिर तीसरा ले लें, फिर चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके सारे अपने जो 6 वायर हैं उन सब पे ऐसे प्रैक्टिस होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएंगे इसको। ये हो गया, ये हमने देखा। उसके बाद अगर लगे कि ये भी हो गया, इसमें कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा, 1-1.5-2 हफ्ते लगा सकते हैं आप, उसके बाद इसको रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स सेम फिंगर्स लगेंगी लेकिन रिवर्स में, यानी फोर्थ फिंगर पहले लगेगी और फोर्थ फ्रेट पहले प्रेस होगा, ऐसे करके इसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरा सीक्वेंस में ले लेंगे, ताकि ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये मजबूत हो जाएंगी, यहाँ से स्ट्रांग होंगी। कुछ स्टार्टिंग में यहाँ निशान पड़ेंगे, जैसे अगर अपन एक वायर को दबाते हैं तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा सा पड़ जाता है, तो वो उंगलियाँ मजबूत होंगी, जब तक मजबूती नहीं आएगी उंगलियों में तब तक कॉर्ड्स पे आप नहीं जा पाओगे। यहाँ तो मैं एक एक फिंगर लगा रहा हूँ, कॉर्ड्स में कम से कम नहीं तो 2-3 ऐसी फिंगर्स यूज में होती है, कई बार तो पूरी पूरी फिंगर यहाँ लग जाती है ऐसे, तो उसमें आप सोचिए पूरी फिंगर पे फिर आपको मजबूती चाहिए रहेगी, तो पहले इनसे आप मजबूती लाएंगे, उसके बाद कहीं जाके कॉर्ड्स पे आप आसानी से कर पाएंगे, ये बात होती है। अगर बेस मजबूत हो तो आगे जाके आसानी होती है, तो ये अपना बेस है, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कॉर्ड्स आराम से सीख सकते हैं। ओके, तो अब आगे के लेसन की अगर बात है तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं करेंगे तब तक आगे के लेसन का फ़ायदा नहीं है। आगे मैं अलंकार ही इसी स्केल से दूंगा, ठीक है। तो एक और पैटर्न होता है जिससे अलंकार ढूंढते हैं, वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहला तो हमारा 12 स्केल का पैटर्न हर वायर से पता करना, ठीक है, वो भी आप पता करिए बाकी वायर्स का, वो एक होमवर्क रहेगा। उसके बाद ये पहले तो सिंगल सिंगल, उसके बाद नेक्स्ट वायर, उसके बाद इस वायर, इस वायर, इस वायर, इस वायर, 6 वायर आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद रिवर्स भी आना है। एक नया पैटर्न ये वाला भी दिखाया मैंने, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, तो काफ़ी काम है आपके पास। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, थैंक यू।